नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों। देश के प्रख्यात संत सियाराम बाबा की चौखट पर माथा टेककर स्वामी डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के साथ साथ नंदी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित कराने को लेकर समर्थन एवं आशीर्वाद प्राप्त कर दंडवत यात्रा आरम्भ की। वर्तमान में महाराज जी नर्मदा परिक्रमा व दंडवत यात्रा महामंडलेश्वर पूज्य दीदी माँ साध्वी श्याम दीदी जी के पावन सानिध्य में निकाली गई है। जय सीताराम। जो श्रीधाम अयोध्या में गौरक्षा श्रीराम महायज्ञ के आयोजन के साथ देश में गौरक्षा का माहौल तैयार करेगी। बताते चले, देश में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के स्वामी डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने चारों मठों के जगत गुरु शंकराचार्यों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गौमाता राष्ट्र माता घोषित कराने के एजेंडे पर काम करते करते धर्मावतारी भगवान शंकर के वाहन नंदी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित कराने के लिए नर्मदा परिक्रमा में दंडवत यात्रा लेकर देश के सामने अपील करते हुए पहली बार जब नजर आए, तब सनातनी हिंदुओं का अपार जनसमूह समर्थन को उन्होंने अपनी इस गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग के साथ साथ धर्मावतारी नंदी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित कराने की मांग से मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। वैसे भी स्वामी जी को गौ माता राष्ट्र माता घोषित करने के मुद्दे पर राष्ट्रपिता वाले शब्द के लिए चुप्पी साधनी पड़ती थी, किंतु स्वामी डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने साफ कर दिया है, वह नंदी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित करवाने के लिए वह नर्मदा परिक्रमा में दंडवत यात्रा कर रहे हैं, अपितु देश के चारों पीठों के शंकराचार्यों एवं जगत गुरुओं तथा साधु संतों और सनातनियों के मध्य अपने एजेंट को रखेंगे। इसके साथ वो इस मुद्दे को सत्तासीन राष्ट्रीय नेतृत्व को भी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के साथ साथ नंदी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग को बुलंद करेंगे, जिसमें राष्ट्र धर्म व स्वदेशी पर कार्य कर रहे भाई राजीव दीक्षित जी के राष्ट्रीय प्रचारक राजपाल भारत जी और देश विदेश के दिग्गज सम्मिलित रहेंगे। मौजूदा समय में चारों पीठों के जगतगुरु शंकराचार्यों द्वारा समर्थित गौ प्रतिष्ठा आंदोलन में स्वामी डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी गौदूत के रूप में अग्रिम दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। राम राम जी। जैसा कि हमने वेद शास्त्रों के अध्ययन में ये पाया कि गाय पैदा नहीं हुई, प्रकट हुई, समुद्र मंथन में हमें मिली है। आज हम समुद्र के बीचों बीच आकर के आज उस बात को कहना चाहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अर्थात राम को कौन लाया है? राम को लाने वाली गाय है, क्योंकि गाय के घर गाय के दुग्ध से जब खीर तैयार की गई और उनकी माताओं को खिलाई गई तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने जन्म लिया उस खीर को खा के। अर्थात राम को लाने वाली गाय है, तो हम गाय समुद्र मंथन में निकली और हम समुद्र के बीच में आज ये कामना करते हैं और ये मांग करते हैं समुद्र देवता से भी कि हमारी जो नर्मदा परिक्रमा है वो पूर्ण होते ही हम पूरे देश के सनातनी हिंदुओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि में जो हम 108 कुंडी गौरक्षा रुद्र महायज्ञ को जो संपन्न करने का जो हमारे सनातनी संतों ने जो वीणा उठाया है, जो पूज्य दीदी माँ ने, जो और सभी साधु संतों ने, धर्मा आलम्बियों ने जो ये वीणा उठाया है उसको पूर्ण करने के लिए सभी सनातन शक्ति प्रदान करें। हाँ, शक्ति प्रदान करें और उस यज्ञ में यथासंभव अर्थ धर्म और सभी का जो है अपना समर्पण भाव दिखलाते हुए उस यज्ञ में सम्मिलित हों। राम जन्मभूमि में जुलाई के महीने में श्री गौरक्षा रुद्र महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ सम्पन्न होगा और नर्मदा मैया की कृपा से हमारी नर्मदा परिक्रमा चल रही है और सभी देश के लोगों से हम ये दंडवत प्रणाम करते हुए ये मांग करते हैं, दंडवत करते हुए देश की जनता जनार्दन से हम मांग करते हैं हमारी दंडवत यात्रा जो चल रही है नर्मदा यात्रा और हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का जो संकल्प हमारे पूज्य चारों शंकराचार्यों ने लिया हुआ है उसको समर्थन देते हुए हमारे देश के सभी सनातनी हिंदुओं को जो आदेश है उसका सभी सनातनी हिंदू पालन कर रहे हैं। साथ ही हम गौ माता को राष्ट्र माता के साथ साथ नंदी भगवान को राष्ट्रपिता की मांग करते हैं, नंदी महाराज को राष्ट्रपिता और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जय जय श्री राम, जय गोविंदा, जय गोपाल। आज मैंने दंडवत यात्रा ये नर्मदा परिक्रमा में जो दंडवत प्रणाम यात्रा में आरंभ कर दिया है और जय हो, कुछ दीदी की बेहतर कार्य हो,
नर्मदा मैया की जय हो भोलेनाथ की। और मैं मांग कर दिया है, मैंने जनता जनार्दन से मेरी मांग है, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना, मैं आपको पुकार कर रहा हूँ, ये जनता जनार्दन से सभी से मेरी आपको पुकार है कि गौ माता को जो है अपने स्तर से जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो वो वहीं अपने स्तर से गौ रक्षा करे, गौ सेवा करे, गौ संवर्धन करे, और गाय को राष्ट्र माता बनाने का जो संग्राम चल रहा है उसी क्रम में नंदी को राष्ट्रपिता बनाने का भी जो संग्राम छेड़ दिया गया उसमें सभी सनातनी हिंदू उसमें समर्थन करें। जय जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।